మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ओके दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एडवांस लर्निंग. आज के इस वीडियो में हम सर्किट के छोटे छोटे डिफिनेशन की स्टडी करेंगे. ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन मोटी हैं, इसलिए इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है सर्किट से रिलेटेड, मैंने इनको एक क्रम में लिख दिया है ताकि कोई पॉइंट छूट ना पावे. ठीक है, अब हम बारी बारी से इनका स्टडी करना शुरू करेंगे. सबसे पहले आपके सामने बनाया गया एक नेटवर्क या सर्किट. सर्किट होता क्या है? सर्किट क्या होता है? एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को सर्किट कहते हैं. मतलब एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, जो दोनों को मिला करके जो निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं. अब क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट, क्या होता है पैसिव कंपोनेंट, आप ये समझिए पहले. एक्टिव नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्टिव. तो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है? एक्टिव करने का काम करता है. किसको? सर्किट को. एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव करने का काम करता है, सक्रिय करने का काम करता है. किसको करने का काम करता है? सर्किट को करने का काम करता है. जैसे आपका ये ईएमएफ है, ये सर्किट को क्या करते हैं? एक्टिव बनाते हैं. ठीक है, तो आपका एक्टिव एलिमेंट में क्या हो जाएगा? आपका ईएमएफ हो जाएगा. जैसे बैटरी है, बैटरी हो जाएगी. और क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ये टनल डायोड हो जाएगा, टनल डायोड हो जाएगा. ठीक है, आपका ट्रायोड बल्ब हो जाएगा. जो भी सर्किट की एनर्जी को क्या करते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, सर्किट की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, सर्किट को एक्टिव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट. ये ट्रांजिस्टर है. ठीक है, अब ठीक इसके उल्टा क्या होता है? पैसिव एलिमेंट. पैसिव एलिमेंट क्या होता है? जो सर्किट को डीएक्टिवेट करता है, जो सर्किट के एनर्जी को क्या कर देता है? घटा देता है. जो सर्किट के एनर्जी को बढ़ाने का काम नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट. में आपका आर आता है, एल आता है, सी आता है. मतलब इंडक्टर भी आता है, कैपेसिटर भी आता है, इंडक्टेंस भी आता है, कैपेसिटेंस भी आता है, रेसिस्टेंस भी आता है. और इसके साथ साथ आपका इंडक्टर भी होता है, इसके साथ साथ आपका कैपेसिटर भी आता है. कभी भूल के यह ना सोचिएगा, कैपेसिटर में तो एनर्जी स्टोर होती है, तो सर्किट में रहेगा बढ़ा देगा, ऐसा कभी नहीं करता है. वो सर्किट से एनर्जी खींच लेगा लेकिन देगा नहीं. ठीक है ना, तो सर्किट को एक्टिवेट नहीं करते हैं ये. इसलिए क्या होते हैं हमेशा? ये आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं. इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर भी आता है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दीजिए. ठीक है ना, इनके अलावा जो भी बचता है सब आपके एक्टिव एलिमेंट हैं. ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं नोड्स. नोड्स और जंक्शन मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन इनमें अंतर है. ठीक है, जब देखिए, जब दो से अधिक, टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब किसी बिंदु पर मिलते हैं, चाहे दो एलिमेंट मिलें और चाहे दो से अधिक मिलें, तो उस पॉइंट को, उस बिंदु को नोड्स कहते हैं. जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे आपका ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तीन एलिमेंट आकर मिल रहे हैं. ये तो बहुत आसानी से नोड्स हो गया. ठीक है, लेकिन अब इसको हम नोड्स नहीं कहेंगे. क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ तीन एलिमेंट हो गए. देखिए, सारे नोड्स को, एक मिनट फिर से, सॉरी मैं रिकॉल करता हूँ, जितने भी यहाँ इस बिंदु पर, पहले ध्यान दीजिए, इस बिंदु पर ध्यान दीजिए. यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट आपका क्या है? जंक्शन है. क्योंकि इसमें दो, देखिए, दो एलिमेंट, ये भी एक्टिव एलिमेंट, ये पैसिव एलिमेंट आकर इस पॉइंट से क्या हुए? कनेक्ट हुए हैं. तो चाहे दो एलिमेंट हों और चाहे दो से ज़्यादा हों तो क्या कहलाता है? नोड्स कहलाता है. तो ये भी आपका नोड्स हो गया, ये भी नोड्स हो गया, ये भी नोड्स हो गया, ये भी नोड्स हो गया. क्योंकि सब में दो हों या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं. यानी कि ए बी सी डी तीनों जो है, चारों जो है, क्या हैं? आपके नोड्स हैं. क्या हैं? नोड्स हैं. लेकिन जंक्शन क्या होता है? तीन या, इसका परिभाषा है, तीन या तीन से अधिक. इसके लिए कम से कम तीन से, या तो तीन हो या तो तीन से अधिक एलिमेंट हो, तभी जाके जंक्शन बनेगा. या ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, बाकी कहीं तीन नहीं है.
इसलिए इस पॉइंट को भी आप जंक्शन कह सकते हैं, बी को भी कह सकते हैं, डी को भी कह सकते हैं, यहाँ आप ए बी सी डी को भी कह सकते हैं, तो जंक्शन आपका बी और डी ही होगा। तो देखिए सारे जंक्शन को नोड्स कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि बी और डी को भी नोड्स कह सकते हैं, लेकिन सारे जंक्शन को आप नोड्स कह सकते हैं, लेकिन सारे नोड्स को आप जंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि नोड्स ये है लेकिन जंक्शन नहीं है, नोट्स ये है लेकिन जंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जंक्शन भी है, नोट्स भी है, क्योंकि कहा गया है नोट्स के डिफिनेशन में दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक है तीन पॉइंट हैं, इसलिए जंक्शन भी है नोट्स भी है, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लूप, लूप क्या होता है, कोई भी क्लोज पाथ लूप कहलाता है, एनी क्लोज पाथ लूप कहलाता है, बहुत आसान है। देखिए ये भी क्लोज पाथ है, ये भी क्लोज पाथ है और ये भी क्लोज पाथ है, तो तीन लूप हैं इसमें, कितने लूप हैं, तीन लूप हैं। लेकिन मेस, मेस वह लूप होता है जो फर्दर आगे कहीं डिवाइड ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेस बोलते हैं, जैसे आपका ये है ये है, लेकिन इसको मेस नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें दो लूप किया गया है, तो यहाँ मेस कितने हैं आपके, दो, ठीक है। हमको लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पूरा डिफिनेशन कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम आपको बताते हैं अब अन्य एलिमेंट। देखिए बच्चों यहाँ दो एलिमेंट के बारे में और जानते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप सर्किट्स का स्टडी करेंगे, जैसे लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट, यूनिलैटरल सर्किट, बाईलैटरल सर्किट, लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिलैटरल एलिमेंट, बाईलैटरल एलिमेंट, बहुत कुछ बस थोड़े समय में ही हम आपको बता देंगे, आपको समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से। देखिए दो प्रकार के एलिमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं, लूम्प्ड एलिमेंट या कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट, तो देखिए इनका कोई हिंदी नहीं है, ठीक है ना, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। और दूसरा हम बताएंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, इसको कह सकते हैं वितरित घटक, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, संयुक्त घटक, क्या लिख सकते हैं इसको, संयुक्त घटक लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं आप, वितरित घटक, ठीक है ना। तो यहां आप देखिए लूम्ड एलिमेंट होते क्या हैं, देखिए यहां पे रेसिस्टर लगाया गया है ना, पूछा जाएगा ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या है, तो आप सीधे बता देंगे ए और बी के बीच प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है। आपको ये भूल गया कि यहाँ से यहाँ तक भी कुछ प्रतिरोध है, यहाँ से भी यहाँ तक भी कुछ प्रतिरोध है, इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता दिया, मतलब हम ये मान लिए कि जो 10 ओम है वो यहाँ से यहाँ तक का क्या है, वैल्यू है, तो यहाँ ये जो रेसिस्टेंस है ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, लूम्प्ड एलिमेंट या कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लूम्प्ड एलिमेंट या कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट, क्योंकि इतने ही दूर है हमने पूरा मान लिया इसको, ठीक है ना। इस एलिमेंट का यूज कहाँ होता है, तो नेटवर्क में होता है, सर्किट में होता है, कहाँ होता है इसका यूज, नेटवर्क में होता है या सर्किट में होता है, जैसे अभी बहुत सारे सर्किट बनाए थे हमने, तो आपने रेसिस्टेंस 10 ओम 20 ओम जो भी कैलकुलेट करते हैं इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी लीड्स के पार्ट को छोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लूम्प्ड एलिमेंट, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या है, मान लीजिए ये से बी तक आपका रेसिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ रेसिस्टेंस है, मान लीजिए 0.2 ओम है, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ रेसिस्टेंस है, मान लीजिए 0.3 ओम है, जब सबको कंसीडर करते हैं 10+0.6 यानी कि 10.6 ओम, जब पूरे रेसिस्टेंस को हम जो है क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, या पूरे रेसिस्टेंस को हम इंक्लूड करते हैं, तब हमारा जो रेसिस्टेंस बनता है उसको हम कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। इसका यूज जो है ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, इसका ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है आपका ओम्स और किरचॉफ्स दोनों लॉ फॉलो होते हैं, लेकिन इसमें केवल ओम्स लॉ फॉलो होता है, ओम्स लॉ, यहाँ किरचॉफ्स लॉ जो है अलाउ नहीं है इस सर्किट में, इस एलिमेंट में, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए, ओम्स लॉ तो एक्टिवेट है लेकिन केवीएल इसमें एक्टिवेट
नहीं है, ठीक है। हम दोनों लाभ अच्छे तरीके से बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे वीडियोस का सीरीज आप देखते रहिए, ठीक है। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए, देखिए बच्चों, आज हम बहुत अब हम जो है बहुत अच्छी पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या होता है, मतलब जिस सर्किट में लीनियर एलिमेंट लगे रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट बोलेंगे। या आप कह सकते हैं जिस सर्किट के पैरामीटर टाइम के साथ क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। मतलब हम वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू को बढ़ावें या घटावें तो इस पैरामीटर में किसी तरह की चेंजिंग ना हो। मान लीजिए अगर ये 10 ओम का है तो ऐसा ना हो कि वोल्टेज बढ़ाएं तो 12 ओम का हो जाए। चाहे अगर ये आपका जितना भी ये हेनरी में है, ये फैरड में है, तो जितनी इनकी वैल्यू है वो फिक्स बना रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जिस एलिमेंट के पैरामीटर में कोई, मतलब जिस एलिमेंट की वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। इनमें वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। वोल्टेज और करंट में क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं, और जिस सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं उस सर्किट को हम लीनियर सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। जिस सर्किट का पैरामीटर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज और करंट के साथ क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट रहे, उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्किट। तो लीनियर एलिमेंट में आपके क्या क्या आ गए, आर एल और सी आ गए। अब नॉन लीनियर जस्ट इसके अपोजिट, जिसके पैरामीटर टाइम के साथ जो है कांस्टेंट ना हो, जिसके पैरामीटर टाइम के साथ वोल्टेज और करंट में चेंजिंग करने पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अपने नेचर में क्या कर लें, परिवर्तन कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं। और जिसमें जिस सर्किट में जो एलिमेंट लगे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपका सेमीकंडक्टर से निर्मित सारे मटेरियल, जैसे आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इसमें आप लिख लीजिए डायोड हो गया, आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, आपका ट्रायोड बल्ब हो गया, ठीक है, एंड एट्सेट्रा। तो ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं आपके, ये नॉन लीनियर एलिमेंट हैं ये सब। और जिस सर्किट में ये एलिमेंट यूज किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर सर्किट बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दोनों, देखिए ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है ये एलिमेंट, ये नहीं फॉलो करता है, इसलिए इसको नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, या नॉन ओहमिक एलिमेंट बोलते हैं, इसको ओहमिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आता है आपका बाईलेटरल सर्किट। देखिए जिसमें बाईलेटरल एलिमेंट हो, बाईलेटरल एलिमेंट का मतलब आपका कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो या रेसिस्टर हो। बाईलेटरल का मतलब क्या है, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो तो इसके प्रॉपर्टीज पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाईलेटरल एलिमेंट। देखिए कैपेसिटर करंट किसी तरह से फ्लो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका इंडक्टर, ये आपका कैपेसिटर, जैसे नेटवर्क में ले लें तो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, करंट चाहे इधर से फ्लो कराएं चाहे उधर से, उस पर इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट उस पर पड़ने वाला नहीं, उसके प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तार लीजिए, चाहे उसमें करंट एक सिरे से दूसरे सिरे फ्लो करवाइए चाहे दूसरे सिरे से पहले सिरे फ्लो करवाइए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। और फिर अब यूनिलैटरल सर्किट, जस्ट इसके अपोजिट, जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होने पर उसकी प्रॉपर्टी में भी परिवर्तन हो जाए, जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ये सब जितने सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, इस तरह के जितने भी इस तरह के एलिमेंट हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। और जिस सर्किट में ये एलिमेंट यूज होते हैं उसको यूनिलैटरल सर्किट बोलते हैं, और इस तरह के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बाईलेटरल एलिमेंट कहते हैं। और जिस सर्किट में इसका यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाईलेटरल सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा हमें ज़रूर बताइएगा, हम एक बार और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया। अब देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख करके बताता हूँ हिंदी में।
बच्चों जो भी हमने आपको बताया उस पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपका, इसको आपको आंसर देना है। आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैपेसिटर इनमें से क्या है, बायलैटरल एक्टिव एलिमेंट है कि यूनिलैटरल पैसिव एलिमेंट है, कि यूनिलैटरल पैसिव एलिमेंट है। दो ऑप्शन जो है एक ही हो गए, यूनिलैटरल पैसिव एलिमेंट नहीं है लिख दीजिए, या आप यहाँ ये ऑप्शन है बाइलेटरल पैसिव एलिमेंट है, तो बाइलेटरल पैसिव नहीं आया है, इसको एक्टिव बना दीजिए, यूनिलेटरल एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये, यूनिलेटरल एक्टिव एलिमेंट है कि बाइलेटरल पैसिव एलिमेंट है, तो डिफरेंस हो गया ना। तो अब इसमें से बताना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसका बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। फिर हमारा ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है ये भी हमें बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।